सुनीता जी के परिवार में उनके बेटे और बहू थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुनीता जी हर वक्त अपनी बहू अन्नदा के पीछे पड़ी रहती थी कि बहू तुम मेरी बेटे का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो, तुम मेरी देखभाल करने में भी चूक जाती हो। अन्नदा सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही लगी रहती थी, लेकिन फिर भी तारीफ के दो शब्द मिलना तो दूर। उल्टा उसे यही सुना जाता था कि वो अपने पति से ज्यादा प्यार नहीं करती है और ना ही अपने सास का ध्यान रखती है। एक दिन ऐसे ही सुनीता जी के पास उनकी सहेली का फोन आया। बातचीत करने के बाद सुनीता जी ने अपनी बहू को कोसते हुए कहने लगी, तुम कैसी बहू हो? एक मेरी सहेली की बहू है, वो कितनी अच्छी है। मेरी सहेली के बेटे का पैरालाइज हो गया है तो दिन रात उनकी बहू एक पैर पर खड़ी होकर पति की सेवा कर रही है। लेकिन बहू तुम तो अपने पति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, बस दिन भर अपने सास श्रृंगार में लगी रहती हो। आज अन्नदा से भी रहा नहीं गया, वो बोल पड़ी, मम्मी जी मैं भी साबित कर सकती हूँ कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उनका विशेष ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन आप ये तो बताए कि मेरे पति का दुर्घटना कब होगा। यह सुनकर सास गुस्से में भड़कते हुए बोली, ये क्या बकवास है बहू, भला तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब बहू ने कहा, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे तो आपको मेरा पति के प्रति मेरा प्यार दिखाई ही नहीं देता है। आप तो हमेशा यही कहती है कि तुम अपने पति का उतना ध्यान नहीं रखती हो जितना कि रखना चाहिए। आज जब आपकी सहेली के बेटे का पैरवेश हुआ है और उनकी बहू सेवा कर रही है, तो आप उस बात से भी मेरी तुलना कर रही हो कि मैं अपने पति की इतनी सेवा नहीं करती हूँ जितना कि वो औरत अपने पति की सेवा कर रही है। आज वो सेवा क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पति का पैरवेश हुआ है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो क्या मेरा प्यार आपको तभी समझ में आएगा जब मेरे पति का पैरलाइज होगा और वो बिस्तर पर पड़ेंगे? क्या ऐसे सामान्य रूप से मैं आप सभी का ध्यान रखती हूँ और आपको दिखाई नहीं देता? अगर मुश्किल परिस्थिति जीवन में आएगी तभी आप लोगों को बहू के प्रयास दिखाई देंगे क्या? इतना कहकर वो रोने लगी। तभी अजय कमरे के भीतर से बाहर आया और अपनी रोती हुई पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, अन्नदा तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। इसके लिए घर में किसी का गंभीर रूप से बीमार होना या किसी का एक्सीडेंट होना जरूरी नहीं है। मुझे तुम्हारा प्रयास ऐसे ही दिखाई देता है, माँ को जो कहना है कहने दो। मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो, हम सबका ध्यान रखती हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम माँ की बातों को इग्नोर कर दो। बहू की ऐसी बातें सुनने के बाद अब सुनीता जी भी हैरान रह गई थी। वो तो ये कल्पना भी नहीं करना चाहती थी कि घर में कोई बीमार पड़े या किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन बहू भी तो कुछ गलत नहीं बोल रही थी। अगर सब कुछ ठीक ठाक था और वह अपनी हर फर्ज को बाखूबी निभा रही थी तो उसकी सास को किसी और से उसकी तुलना करने की जरूरत ही क्या थी। हर किसी के घर की परिस्थितियाँ अलग होती है और वह उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। किसी का पैरलाइज हुआ है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, लेकिन ऐसे ध्यान रखने के लिए भगवान ना करे किसी को भी बिस्तर पकड़ना पड़े। उस दिन के बाद से सुनीता जी ने किसी से भी बहू की तुलना करना बंद कर दिया था। और अनन्या को भी इस बात की खुशी थी कि उसके पति उसके प्रेम को समझते हैं। दोस्तों, घर में जब विपरीत परिस्थिति आती है ऐसे समय में एक दूसरे के विशेष में ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन जब सामान्य जिंदगी चल रही होती है तो भी घर के प्रत्येक सदस्य के लिए किए गए कार्य के सराहना जरूर करनी चाहिए। किसी की तारीफ करने के लिए किसी विशेष अवसर की तलाश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।